तो बेचारा भक्त जो था वो ऐसा फंस गया वहां पर और एक बड़े बदमाश के साथ हमारा सामना हो गया। उस बदमाश ने कुछ उससे पूछा, उसको मालूम नहीं था। तो उस भक्त ने कहा, सर मैं नहीं जानता। अब जो नहीं जानता तो नहीं जानता। तो उस बदमाश को इतना गुस्सा चढ़ा, कहता है रंगा बंदूक उठाओ, लगा दो जरा निशाना इसके गले में। भक्त मुस्कुराने लगा, कहता सर आप खुद इतने शक्तिशाली हो, ये गुंडे के पाले में, आप मार लो ना। तो उसको बड़ा अजीब लगा, बेइज्जती कर दी मेरी। एक पतला साहब बेचारा मुरझाया हुआ भक्त शरीर से, वैसे बड़ा ब्लिसफुल है, लेकिन क्या कह रहे हैं, लोग क्यों पाले हुए मारने के लिए, बंदूक का क्यों सहारा ले रहे। कहते ठीक है, ये नहीं मारते मैं मारता हूं। उसने गन निकाल दिया अपनी और जैसे निशाना लगाने लगा, कहा सर क्यों हथियारों का आसरा ले रहे हो, अगर हिम्मत है तो। उसको और गुस्सा चढ़ गया। फिल्मों में दिखाते ना, जैसे खड़ा हुआ, दो लोग आए, उसके हाथ से गन ली, शर्ट निकाल दी और दूसरे लोगों को इशारा किया, बस कोई बीच में नहीं आएगा। अब किसके बारे में, किसके बीच में बात है ये? उस भक्त के और मेरे बीच में बात है। अब आमना सामना हो, देखो तुम, देखते हैं कितना दम है इसके बाजू में। जैसे ही भक्त आगे आता है, बदमाश आगे आता है उसके, कहता बोलिए हो जाए। कहता सर मुझसे युद्ध करना है, मुझसे जीतना है। कहते हाँ। कहते क्या दिखाना चाहते संसार को कि मुझे मार दिया? कहते हाँ। मुझ पर जीत हासिल करना चाहते हो? कहते हाँ। कहते अगर मुझे जीतना है ना तो एक काम कर सकते हो क्या? कहते क्या? कहते हैं पहले अपने क्रोध को जीत कर दिखाओ। मैं वैसे हार मान लू। कहते क्या मतलब? और गुस्सा चढ़ जाता। कहता देखा गुस्सा आ गया ना, हिम्मत है तो क्रोध को काबू कर दिखाओ, या हिम्मत है तो अपने मन पर नियंत्रण कर दिखाओ। अगर तुमने इस पर नियंत्रण कर लिया तो मेरे को मार, मैं हार मान लूंगा, अपने पैरों में पड़ जाऊंगा। कहता क्या करना पड़ेगा इसके लिए? कहता कुछ नहीं, जाइए कहीं से भी आप, कोई कोर्स कीजिए, कोई सेमिनार लीजिए, लेकिन मन को, अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल करके दिखाओ तो मैं मानूंगा। अपनी इंद्रियों पर काबू कर दिखाओ सर, अपने सेंसेस को कंट्रोल करके दिखाओ तो मैं तुम्हें कुछ मानूंगा, वरना तुम्हारे जैसे लोग को हजार हजार के नोट के ऊपर बंदूकधारी इकट्ठे कर लेते हैं। इंद्रियों पे वजह पाकर दिखाओ तो मानू कुछ नहीं सर। उसने कहा अच्छा। कहते देखो गुस्सा आ रहा है। कहते अच्छा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, क्या करना चाहिए? कहते जो गलत चीज है उसको छोड़कर दिखा, गुस्सा आए तो कंट्रोल कर दिखा, मन किसी तरफ लालायित हो उल्टी सीधी जगह की तरफ तो कंट्रोल कर दिखा। भगवत गीता पढ़, उसमें जो लिखा सही क्या है गलत क्या है उसके हिसाब से जी कर दिखा तो मैं तेरे से हार मान लूंगा, नहीं तो तेरे पास बंदूक भी है, गुंडे भी हैं, शक्ति भी है, फिर भी मैं हारा नहीं तुझसे। कहता ठीक है मैं कर दिखा दू। कहां थे उसके बस के बेचारे का, अचानक थोड़ी तो एक शॉट में थोड़ी तो सारे से। उसने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा? कहता मैं बताता हूं क्या करना पड़ेगा। तू अभी अपने मन का गुलाम है, अपने गुस्से का गुलाम है, अपने इंद्रियों के गुलाम है, अपने मन की इच्छाओं के गुलाम है, तू मालिक नहीं है। मालिक बनकर दिखा। कहता वो कैसे बने? कहते इधर आ। उसको पढ़ाई भगवत गीता कि देख ये गुस्सा कहां से शुरू होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगास्तेषु प्रजायते, संगात संजायते कामा, काम क्रोध विजायते। कहते हैं ये गुस्सा कहां से आता है? सबसे पहले आंखें देखती हैं सेंस ऑब्जेक्ट को, फिर तुम डिजायर करते कि मुझे चाहिए, उससे आसक्ति हो जाती है, मोहग्रस्त हो जाते हो, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। तो कहते हैं तो सबको याद है सर? कहते हाँ, तुम्हें गुस्सा आता है लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता। तुम गुस्से के द्वारा हारे गए हो और मैंने गुस्से पे जीत प्राप्त कर ली है। अगर मुझे हराना है तो इस तरह से हराना, ग्रॉस फाइट का क्या फायदा, सटल फाइट करना मेरे साथ, हमारे साथ क्या होता करूंगा, हम भी तो इसी से जूझ रहे हैं कि नहीं सर? अपने इंद्रियों के, अपने मन के, अपने गुस्से के गुलाम है,
थोड़ा सा काम नहीं होता तो गुस्सा साथ में आसमान पर, और जो सामान आसपास होता है हाथ में होता है कहीं ना कहीं धर देते हैं। तो किसके कंट्रोल में हम लोग? मन के, गुस्से के कंट्रोल में। कहता फिर और क्या करूं? उसने कहा कि आप मन पर नियंत्रण करो। कहते सर मन तो बड़ा चंचल है। कहते हाँ ना, अर्जुन को भी तो लगा था। अर्जुन ने भी कहा कि भगवान वायु को तो कंट्रोल करने लगता है कि हो जाएगा। वायु को कंट्रोल करना कोई कर सकता है? वायु कहते लेकिन मन को कंट्रोल करना इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। चंचल है, अस्थिर है, जिद्दी है, नहीं कर सकते। कहते कर कर दिखा दो मुझे जीत ले। कहता अभी तो क्या होता है कि तेरे मन में जो कुछ आता है, कुछ खाना है कुछ भी अच्छा लगा खा लिया, डॉक्टर ने मना करा तो भी खा लिया, है कि नहीं? मन ने कहा चलो यहां चलो वहां जाता हूं, वहां चलो वहां जाता हूं, ये खाऊं वो पीऊं कुछ भी कर लेता हूं, और फिर उन आदतों का गुलाम हो जाता हूं, और फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में सुंदर सुंदर नर्सों के बीच में घिरा होता हूं और फील करता हूं आई एम ओके, आई एम फाइन। यहां से काटा, यहां से पीटा, यहां का जोड़ा, इधर की टांग, इधर उधर कुछ ना कुछ करते हैं, बड़े बड़े बिल देते हैं, और फिर ऑफिस आते हैं कहते हैं यस। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इतने बड़े खर्चे केवल इसीलिए हो रहे हैं कि लोगों का मन उनके हाथ में नहीं है, उनका कंट्रोल में नहीं है, इंद्रियों के द्वारा वशीभूत हैं, इसलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं कि नहीं? बीमारी किसी वजह से? सारी गलत आदतों की वजह से। अल्फ्रेड फोर्ड का नाम सुना होगा, फोर्ड कंपनी के ऑनर का नाम। अभी इंडिया में उन्होंने मायापुर में जहां चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए वहां पर 500 करोड़ का मंदिर बनाने की प्रतिज्ञा दी और कहा मैं डोनेट कर दूं। न्यूज में आ गया, सारे न्यूज रिपोर्टर्स इंडिया के पहुंच गए, सर ये क्या कर दिया, यू आर फ्रॉम अमेरिका एंड डोनेटिंग हियर इन स्मॉल टाउन मायापुर कॉल्ड विलेज मायापुर। कहते हैं कि माइकल जैक्सन ने एड्स हॉस्पिटल के लिए दिया, और जो है बिल गेट्स ने कैंसर हॉस्पिटल के लिए दिया, और आप क्या कर रहे हो? वेस्ट बंगाल में छोटे से टाउन मायापुर में मंदिर के लिए 500 करोड़ दे रहे हो, तो सच में आश्चर्य की बात थी। तो रिपोर्टर्स ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा मैंने जिस मंदिर के लिए डोनेट किया है वहां पर क्या शिक्षा दी जाती है मालूम है? मन को नियंत्रण करने। सुबह शाम भगवत गीता भगवत भागवतम का लेक्चर होता है जिसके द्वारा लोगों का मन साफ होता है, हृदय पवित्र होता है, उनकी आदतें ठीक होती है, पाप करने की वृत्ति खत्म हो जाती है, और जो व्यक्ति गलत आदतों में नहीं होगा तो उसको ऐब नहीं लगेंगे, ऐब नहीं लगेंगे तो ना एड्स होगा ना कैंसर होगा। तो कहते मैंने ऐसे हॉस्पिटल के लिए दिया है जहां पर लोग अपने को पवित्र करते हैं। तब उनको समझ आया भाई कुएं में कोई गिर जाए उसकी टांग टूट जाए फिर हॉस्पिटल बनाए फिर उसकी टांग जुड़वाए, अच्छी बात है कि नहीं? लेकिन कुएं में किसी को गिरने ही ना दे ये ज्यादा अच्छी बात है कि नहीं? तो चरित्र निर्माण के लिए मायापुर इस्कॉन में उन्होंने चलने तो मन पे कंट्रोल करना, गुस्से पे कंट्रोल करना, पूरे विश्व की समस्याएं केवल मन के हिसाब से चल रही। इसलिए जब मन आपका खींचे कहीं पर चलो ये कर ले चलो वो खा ले चलो वहां चले चलो ये करें तो देखें इससे मेरा लाभ है या मेरी हानि, इससे मेरा नुकसान है कि मेरा फायदा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं कुछ बोल दूं, मन कर रहा है कि कुछ बोल दूं, लड़ाई होती जब मन करता बोल डाल कुछ ऐसा बोल कि उसके हृदय पर जाकर लगे, तो उस समय सोचना चाहिए क्या बोलूं कैसा बोलूं कि संबंध बरकरार रहे। तो नॉलेज इंटेलिजेंस का यूज करना, मन तो कहेगा कुछ भी बोल दो, बड़े धूमधाम से डाइवोर्स होते हैं बड़े चुपचाप से तुरंत, अभी गए थे अभी आ गए, क्यों? क्योंकि मन पर नियंत्रण नहीं है। अगर वो बोलेंगे तो मैं भी बोल सकती हूं, अगर वो एक धरेंगे तो दो मैं धर सकती हूं, वो इतना कमाते हैं तो मैं इतना कमाती हूं, है ना? हर जगह इंपेशेंट है लोग, इंटॉलरेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ माइंड इज नॉट इन देयर कंट्रोल।
तो मन को कैसे कंट्रोल करें? बड़ा आसान है। जितना मुश्किल है ये समस्या है, सोल्यूशन उतना आसान है। किस किस को चाहिए सोल्यूशन? हाथ खड़े करो। सोल्यूशन है, समस्या लग रही है कि नहीं? कितने को सोल्यूशन चाहिए? हाथ खड़ा करो। सबको चाहिए। पिछले ने हाथ नहीं खड़ा, कंट्रोल है क्या? चाहिए ना। केवल 5 लाख रुपए चाहिए। एक व्यक्ति को बताऊंगा 5 लाख के हिसाब से जमा। अभी सब हाथ नीचे हो गए, क्या चक्कर है? फ्री दे दे, फ्री दे। मंत्र, मंत्र जो मंत्र जप रहे हैं यहां पर इतनी देर से, शास्त्रों में कहा गया मंत्र का मतलब त्रायते इति मना, जो मन को तार दे, मन को डिलीवर कर दे, मन को आपके कंट्रोल में ले आए, उसको बोलते मंत्र। ठीक है, तो मन जो है हमारा, क्योंकि कंटामिनेटेड है, शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए मंत्र की शरण में जाना पड़ेगा। कौन सा मंत्र? बड़े सारे मंत्र हैं, वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं, और सारे मंत्र जो है ओम के द्वारा शुरुआत होते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन चाहिए, तभी जप सकते हैं। संध्याएं चाहिए, तब करोगे। हम जैसे कलयुग के प्राणी जो परेशान है, दुखी है, हर समय डिस्टर्ब है, वो कैसे मन को नियंत्रण करेंगे? वो कौन सा मंत्र जपे? तो बहुत ही कृपावश भगवान ने हमें मंत्र दे दिया। और वो क्या मंत्र है मालूम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये वाला मंत्र तो कई बार सुना है हमने। इससे क्या होगा? सामने तो और भी बड़े सारे मालूम है ना, ऐसा होगा ना? नहीं भैया, ये भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने, स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्टैंप लगाया। वृहद नारद पुराण में लिखा है हरे राम ये व केवल कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति रहने, गति नहीं है कलयुग में, केवल हरि के नाम से है, हरि के नाम से, हरि के नाम से, दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। फिर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कलयुग के लोगों को उद्धार कैसे होगा? उन्होंने भी यही कहा, हरे कृष्ण मंत्र बताया 16 शब्दों का, कहा यह 16 शब्दों का मंत्र कलयुग के सारे कलमशों का नाश कर लेगा, इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है, मैंने सारे वेदों में देख लिया। और जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने इसी महामंत्र का जप किया, कीर्तन किया हर जगह। और जब उनके एक दूत स्पिरिचुअल एम्बेसडर फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी आए, उन्होंने अमेरिका में चरस गांजा एलएसडी लेने वाले लोगों के बीच में हरे कृष्णा जपा। अब देखिए लाभ, उन्होंने कभी राम कृष्ण सुना भी नहीं था, लेकिन जैसे उनकी जीवा पर भगवान का पवित्र नाम आया, शुद्ध हो गए, पाप करने की वृद्धि खत्म, मन पर नियंत्रण, सारे नियमों का पालन शुरू कर दिया, दीक्षा ले ली, सन्यासी बन गए, पूरे संसार में प्रचार कर रहे हैं।